दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन के बारे में। ओप्पो की तरफ से ओप्पो A53s इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, बिना कोई हो हल्ला मचाए सूम सटके में दही मटके में रख के ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और ये वाला स्मार्टफोन बन जाता है इंडिया का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A53s 5G से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया और कैसा होने वाला ये फोन, क्या ये फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एवरेज बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको दिया गया है। प्लास्टिक का बैक यहाँ पर आपको मिलता है, प्लास्टिक की फ्रेम मिलती है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है और कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है ये चीज नहीं बताई गई है। मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी जो है वो यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन में आपको ज्यादा कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलता है। वही टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप्ड कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग आपको मिल रही है। उसी के अलावा ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट में अगर बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच यहाँ पर मिलती है। उसी के साथ में अगर बात करें तो ठीक ठाक साइज की यहाँ पर आपको चेन मिल जाती है। दिखने में फोन ठीक ठाक है भाई। कलर्स की अगर बात करें तो 2 कलर्स में आपको फोन मिलता है, ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में। बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से एवरेज मिल जाती है और दिखने में भी फोन भाई एवरेज ही है। यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच जो दी गई है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लुक देती है यहाँ पर। तो बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में मेरे हिसाब से ठीक ठाक फोन है। डिस्प्ले की अगर बात करें 6.52 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिया गया है। HD प्लस रिजोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलता है। जी हाँ, HD प्लस रिजोल्यूशन दिया गया है। IPS LCD पैनल यहाँ पर दिया गया है। तो पैनल तो सही लगाया गया है लेकिन रिजोल्यूशन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम मिलता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है। 269 PPI की पिक्सल डेंसिटी यहाँ पर आपको मिलती है। तो ठीक ठाक क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाता है। 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 60Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो यहाँ पर आपको हायर रिफ्रेश रेट भी नहीं दिया गया है। 480 nits की पीक ब्राइटनेस यहाँ पर आपको मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से एवरेज डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी इससे कहीं ज्यादा बेटर यहाँ पर की जा सकती थी। डिस्प्ले क्वालिटी से डेफिनेटली यहाँ पर आपको शिकायत हो सकती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी सीरीज का डायमेंसिटी 700 चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है। चिपसेट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे देता है। 7 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है। हीटिंग का इशू यहाँ पर आपको काफ़ी कम मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें CPU परफॉर्मेंस की तो 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। A76 और A55 वाले कोर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो डे टू डे की परफॉर्मेंस तो बढ़िया निकल जाती है। गेमिंग और ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM की तरफ से आने वाला माली G57 MC2 GPU मिलता है, जो कि ठीक ठाक टाइप की आपको गेमिंग करा देता है और ग्राफिक्स रिलेटेड काम भी आप ठीक ठाक कर पाएंगे। LPDDR4X RAM यहाँ पर दी गई है। UFS 2.1 वाला स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलता है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको अच्छी मिलने वाली है। साथ ही साथ 5G कैपेबिलिटीज भी यहां पर आपको मिलती है। तो परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ दिया गया है, जहां पर प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का। जी हां, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहां पर आपको नहीं मिलता है। 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर दिया गया है और सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप को देखा जाए भाई तो कैमरा सेटअप एक ऐसा सेटअप है जिसमें बहुत सारी चीजें अपग्रेड की जा सकती थी। एटलीस्ट यहां पर हमको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलना था। प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, वो चल जाएगा भाई, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-2 मेगापिक्सल के 2 छोटू लगाए गए हैं जो कि ज्यादा काम आने नहीं वाले हैं। उसकी बजाय एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस अगर यहां पर मिलता तो ज्यादा अच्छी बात रहती। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो भाई चिपसेट ही सपोर्ट नहीं करता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो उसका तो यहां पर कुछ नहीं किया जा सकता था। तो मेरे हिसाब से जो कैमरा सेटअप दिया गया है बिलो एवरेज कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो बहुत ही खराब कैमरा सेटअप है भाई। थोड़ा सा इसको अपग्रेड करने की जरूरत थी लेकिन ओप्पो ने नहीं किया है।
ओके, बैटरी की अगर बात करें भाई तो 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी यहां पर दी गई है। बैटरी का साइज अच्छा दिया गया है, 7 नैनोमीटर का चिपसेट है, एचडी प्लस डिस्प्ले है, तो बैकअप आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। मतलब ये जो चीजें जो खराब दी गई है यहां पर एचडी प्लस वाला डिस्प्ले, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज बन जाता है भाई कि उसके कारण बैटरी बैकअप यहां पर आपको अच्छा मिलता है। 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है, 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई कि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं दिया गया है और साथ ही में चार्जिंग भी, भाई सपोर्ट ही नहीं दिया है तो बॉक्स में चार्जर क्यों देंगे, तो चार्जर भी 10 वॉट का दिया गया है। इस चीज को भी यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है भाई, यहाँ पर कम से कम हमको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाना चाहिए था। बॉक्स के अंदर भाई आपको 10 वॉट देना है, 10 वॉट दे दो, हम बाहर से खरीद के फास्ट चार्ज कर लेते, लेकिन भाई इसमें भी अपने हाथ बांध दिए हैं, फास्ट चार्जिंग आप इस फोन को कर ही नहीं पाओगे। तो ये एक दिक्कत वाली बात है यहाँ पर कि 5000 एमएएच की बैटरी तो दी गई है लेकिन 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, यूएसबी 2.0 वाला। हमारा प्यारा दुलारा 3.5 एमएम का खड्डा, 3.5 एमएम जैक मिलता है, उसको गायब नहीं किया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। उसी के अलावा अगर बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर आपको मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, जायरोस्कोप मिलता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, और भी भाई जितने भी सेंसर होते हैं आईआर ब्लास्टर को छोड़ के बाकी सारे सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो सेंसर में भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। ओएस की बात करें और सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में कलर ओएस 11.1 का यहां पर आपको सपोर्ट मिलता है। अब कलर ओएस आपको पसंद आता है या नहीं आता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। कलर ओएस पर्सनली मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है जितने दूसरे यूआई ज्यादा बेटर लगते हैं, तो भाई ओएस का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे हिसाब से मिक्स्ड एक्सपीरियंस यहां पर रह सकता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जिनको कलर ओएस का एक्सपीरियंस पसंद नहीं आता है, तो यहां पर ओएस का एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहने वाला है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो सिंगल स्पीकर यहां पर आपको मिलने वाला है, उसी के अलावा अगर बात करें तो डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट यहां पर आपको मिलेगा, मतलब दो सिम कार्ड के साथ में अपना मेमोरी कार्ड लगा करके आप अपने स्टडी मटेरियल को मस्त एंजॉय कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये काफी अच्छी बात है भाई कि यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट मिलता है। 5G कैपेबिलिटीज यहाँ पर आपको मिलती है और भर भर के बैंड्स का सपोर्ट दिया गया भाई, ढेर सारे बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत सारे बैंड्स का सपोर्ट दिया गया, तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि 5G के नाम पर केवल चिपसेट नहीं ठूस दिया गया है, वहां पर बैंड्स का सपोर्ट भी आपको दिया गया है। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो दो वेरिएंट्स में फोन को लॉन्च किया गया है, 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB, और दोनों फोन का जो प्राइस है, प्राइस तो काफी अच्छा रखा गया है भाई। 6GB प्लस 128GB आपको मिलता है 14,990 रुपए में और 8GB प्लस 128GB आपको मिलता है 16,990 रुपए में, और जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है वो इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन बन जाता है, जो कि Dimensity 700 के साथ में आता है। लेकिन केवल और केवल 5G प्रोसेसर के नाम पर हमको फोन नहीं खरीदना है, ये चीज मैंने आपको बहुत बार बता दी है, एक बार फिर से मैं यही बोलना चाहूंगा, यहां पर भी वही चीज करी गई है भाई। Dimensity 700 चिपसेट दे दिया है जो कि परफॉर्मेंस में कोई ऐसा बीस्ट प्रोसेसर नहीं है कि 5G के नाम पर अगर आपने प्रोसेसर लगा दिया है वो वाला तो केवल उसी के नाम पर हमसे पैसे ले लो, इतना भी कोई तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं, केवल 5G कैपेबिलिटीज देता है भाई। उसी के अलावा अगर देखें तो भाई डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज किया है, कैमरा में कॉम्प्रोमाइज किया है, बैटरी में कॉम्प्रोमाइज किया है, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है और परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको मिलती है, तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और केवल भाई 5G के नाम पर एक ऐसा स्मार्टफोन लेकर के मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये वाला जो स्मार्टफोन है भले ही से इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी लेने लायक फोन नहीं है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, क्या इस फोन को आप लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।